क्वेश्चन नंबर 14, ये लेंस का क्वेश्चन है. कहा गया है द लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है 1.5 और उसका फोकल लेंथ लेंस का दिया गया है 16 सेंटीमीटर. इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42. इफ इट्स फोकल लेंथ इन लिक्विड इज एफ वन, देन द रेशियो एफ वन बाई एफ इज क्लोजेस्ट टू द इंटीजर. अब हमें क्या करना है कि हमें पता है अगर कोई थीन लेंस है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सपोज म्यू एल है ना, इधर मीडियम जो है वो एयर है, तो इसका फोकल लेंथ हम लोग लिखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से म्यू एल माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. यही लेंस अगर किसी मीडियम में रखा गया हो है ना, मतलब किसी लिक्विड में डुबा दिया गया हो, लिक्विड जो है या मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि म्यू एम है, तो इसका फोकल लेंथ हम लोग लिखते हैं इस तरह से म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एम, मतलब कि मीडियम के रिलेटिव में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू. ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इसे डिवाइड कर दूंगा है ना, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू, तो इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करते हैं तो आएगा एफ वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस वन बाई म्यू एल बाई म्यू एम माइनस वन. म्यू एल यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, यहाँ पर बताया गया था शुरू में 1.5 माइनस वन है ना, यहाँ भी म्यू एल 1.5 ही है लेकिन अब एक मीडियम आ गया है ना, लिक्विड का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.42 माइनस वन. इसको आप सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये 9 आएगा है ना, और यही रेशियो पूछा गया है क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर तक, तो ये ऑप्शन 3 जो है वो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका.